हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का स्टफ पराठा विद अ ट्विस्ट। और आपको पता है वो ट्विस्ट क्या है? तो आगे देखिए वो ट्विस्ट क्या है। तो ये इसके लिए मैंने ले लिया पहले पनीर, 200 ग्राम पनीर है, और 4 उबले हुए आलू, दोनों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और साथ में मैं ये ट्विस्ट में डाल रही हूँ मेथी की भाजी। तो वैसे तो आप पनीर के पराठे के साथ कभी मेथी की भाजी ट्राई नहीं की होगी ना। और साथ में मैंने डाला हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, जो मैंने 2 टीस्पून जितना लिया है। और उसमें है ये काली मिर्च पाउडर, दालचीनी और लौंग का पाउडर, वो दोनों मैंने 1/4 टीस्पून लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून जितना शक्कर, वो शक्कर भी मैंने पीसी हुई ली है। और साथ में नमक, तो मैं हमेशा सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, तो नमक मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें और एक चिली है, वो है चिली फ्लेक्स, तो वो भी मैं उसमें साथ में डाल रही हूँ, तो वो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे हम। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा टेस्टी स्पाइसी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टफिंग रेडी। अब हम इस स्टफिंग को अच्छे से मिलाने के बाद उसमें से हम थोड़े से हमें बॉल बनाने हैं। उससे पहले मैं एक बार अपना हाथ थोड़ा ठीक से साफ़ कर लूँगी। और फिर हाथ में तेल लगाने के बाद उसमें से हम स्टफिंग के बॉल या पेड़े तैयार कर देंगे। आपको जिस हिसाब से छोटा बड़ा पराठा चाहिए, या आपको स्टफिंग ज़्यादा पसंद है, तो आप बड़ा पेड़ा बना सकते हैं, या तो फिर आप छोटा भी बना सकते हैं। अगर आपको बच्चों की टिफ़िन के लिए बनाना है, तो आप छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं। तो ये हमारे सारे पेड़े स्टफिंग के रेडी हो गए। अब हम इससे पराठा बेलेंगे। तो मैंने गेहूं का आटा जो पराठे का गूंद के रखा था, उसको मैं सूखा आटा लेके थोड़ा सा बेल लूँगी। आप हाथों से भी उसको फैला के उसके अंदर स्टफिंग रख सकते हैं, पर उसमें थोड़ा आटा ज़्यादा लगता है मुझे, इसलिए हम लोग ऐसे पहले थोड़ा सा पतला बेल लेते हैं, फिर उसके अंदर हम स्टफिंग डालते हैं। तो ये मैंने आधा जैसे पराठा बेल लिया, और फिर उसके अंदर स्टफिंग का बॉल जो रेडी था वो रख के उसको हर तरफ से बंद करके एक्स्ट्रा आटा हमने निकाल लिया। और फिर से उसको एक बार सूखे आटे में रोल करके फिर से अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पे हम सूखे आटे में चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं, आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी, है ना? हाँ, तो अब ये हमारा पराठा रेडी हो गया है, तो उसको हम गरम तवे पे सेक लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, तो इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पराठे पे हम घी लगा के उसको दोनों तरफ पलट के अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा पराठा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सेक के रेडी हो गया है। तो उसको हम साइड में रखेंगे और सारे पराठे रेडी कर लेंगे। और पराठे के साथ खाने के लिए मैं अभी एक बना रही हूँ तड़का दही। तो उसके लिए मैंने घर का जमाया हुआ दही लिया है, और दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। और दही में हमने डाला है हरी चटनी। तो जो आप ग्रीन चटनी अपने घर में नॉर्मली खाने के लिए बनाते हैं, वही। उसके साथ ही मैंने नमक और थोड़ी सी चीनी मैंने यहाँ पे
एक टीस्पून ली है नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। उन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के उसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक टीस्पून तेल लिया है, उसमें थोड़े सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा और हींग और करी पत्ता। तो ये तड़का हमारा रेडी हो गया। वो तड़का दही में मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके हम सर्व करेंगे। है ना टेस्टी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।